Arjuna uvāca sannyāsaṁ karmaṇāṁ Kṛṣṇa punar yogaṁ śaṁsasi śreya etayor ekam brūhi su-niścitam Arjuna uvāca sannyāsaṁ karmaṇāṁ Kṛṣṇa punar yogaṁ śaṁsasi śreyaḥ sannyāsaṁ yat śreya etayor ekam tanme brūhi su-niścitam Arjuna uvāca Arjun ne kaha sannyāsaṁ sannyās karmaṇām संपूर्ण कर्मों के कृष्ण हे कृष्ण पुनः फिर योगम भक्ति च भी संससि प्रशंसा करते हो यत् जो श्रेयः अधिक लाभप्रद है etayoḥ इन दोनों में से ekam एक तत् व मैं मेरे लिए brūhi कहिए su-niścitam निश्चित रूप से इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद अर्जुन ने कहा हे कृष्ण पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है तात्पर्य भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञानयुक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया
इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतः यह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दें या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करें। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले क्षयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 के श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को एक महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर
अर्जुन जो युद्ध करने के लिए खड़े थे अपने आत्मीय स्वजनों को अपर पक्ष में देखकर मोहित हो गए हैं और अब युद्ध करना नहीं चाह रहे थे। अंत में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है आप बताइए, आप हमारे गुरु हैं और मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। तो जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में ग्रहण किया, पहले तो सखा थे अतः भगवान कृष्ण कोई उपदेश अर्जुन को नहीं दे रहे थे, अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में ग्रहण किया तब जाकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ किया। किंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं, वस्तुतः ये उपदेश सारे मानव समाज के लिए। अर्जुन का मोहित होना ये इस बात का द्योतक है कि जिस प्रकार साधारण व्यक्ति भौतिक संसार में मोहित होता, उसको कोई ज्ञान नहीं है कि उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्यक्ति नहीं जानता, इसलिए मोहित होना स्वाभाविक है। तो अर्जुन का मोहित होना इस बात का द्योतक है कि वह एक साधारण व्यक्ति के समान व्यवहार कर रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं भगवान कृष्ण से, साधारण व्यक्ति की ओर से प्रश्न कर रहे हैं। वस्तुतः अर्जुन भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, उनको मोहित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु भगवान कृष्ण ने उनको इसलिए मोह में डाला कि अर्जुन मोह में होकर साधारण मनुष्य की तरफ से ये प्रश्न करेंगे। साधारण मनुष्य मोहग्रस्त अवस्था में जैसा प्रश्न करता है अर्जुन ऐसा प्रश्न करेंगे और भगवान कृष्ण उसका उत्तर दें मानव समाज के कल्याण के लिए, ये भगवान का उद्देश्य था। इसलिए अर्जुन साधारण मनुष्य के रूप में प्रश्न करते हैं। तो भगवान कृष्ण जब उत्तर देते हैं उस समय भगवान कृष्ण ये दृष्टि में रखते हैं कि भौतिक संसार में तरह तरह के लोग हैं, कोई कर्म के प्रति आकृष्ट हैं, कोई ज्ञान के प्रति आकृष्ट हैं, कोई योग के प्रति आकृष्ट हैं और कोई भक्ति के प्रति आकृष्ट, तरह तरह के लोग हैं और भगवान कृष्ण को हर तरह के लोगों के लिए उपदेश देना था, क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि हर तरह के लोग किस प्रकार कर्म करते हुए अंत में भक्ति योग के स्तर पर आ सकें, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है और इस भौतिक बंधन संसार का जो बंधन है, जन्म मृत्यु का चक्र है, सुख और दुख है, उससे सदा के लिए मुक्त हो सकता है। अन्य किसी मार्ग में भौतिक बंधन से मुक्त होना संभव पर नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण का उद्देश्य था कि हर तरह के लोग धीरे धीरे कैसे इस भक्ति के स्तर तक आ सकते हैं और भक्ति मूलक कर्म में अपने को युक्त कर सकते हैं जिससे कि उनका भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यही ध्यान में रखकर भगवान कृष्ण कर्म योग के बारे में बताते हैं, ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, ध्यान योग के बारे में बताते हैं और भक्ति योग के बारे में भी बताते हैं। तो जो व्यक्ति
भगवत गीता का अध्ययन करेगा, देखेगा कि भगवान कभी कर्म के बारे में बता रहे हैं, कभी ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, कभी ध्यान के बारे में बता रहे हैं, कभी भक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो कौन सा श्रेष्ठ है इनमें से? ये मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता कि हम क्या करेंगे, कौन सा योग साधन करेंगे जिससे कि हम संसार बंधन से, संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और विशेष रूप से जो ज्ञान में स्थित नहीं है, ये लोग भौतिक संसार में भौतिक कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम कुछ कर्म कर रहे हैं अर्थ उपार्जन करने के लिए और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि परिश्रम करना और अर्थ उपार्जन करना और उस अर्थ से सुख को प्राप्त हो। किंतु हम देखते हैं कि व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, अर्थ उपार्जन भी करता है, फिर भी उसके जीवन के दुख दूर नहीं होते, उसका कष्ट दूर नहीं होता। यद्यपि व्यक्ति सोचता है कि अर्थ उपार्जन करने से उसके दुख कष्ट सब मिट जाएंगे, किंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि हम भौतिक संसार में जो आए हैं, हम अज्ञान अंधकार में हमारा जन्म हुआ है, हम वस्तुतः नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम सोचते हैं कि हम यह शरीर हैं और शरीर को सुख देना यही वास्तविक सुख है, और शारीरिक सुख क्या है कि आहार निद्रा भय मैथुन, कि अच्छी तरह भोजन करना, अच्छी तरह निद्रा जाना, मैथुन करना और अपनी सुरक्षा करना, इसी को जीवन में लोग सुख मानते हैं। किंतु वो सुख भी आजकल लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता। तो जो भी हो, ये शरीर धारणा के कारण लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सोचते हैं कि हम यह शरीर हैं, तो शरीर को सुख देना ही सुख है। किंतु हम देखते हैं कि हम शारीरिक सुख प्राप्त करने के उपरांत भी हम दुखी रहते हैं, कष्ट भोग करते हैं, तरह तरह के रोग भोग करते हैं, वृद्ध होते हैं, वृद्धावस्था का कष्ट भी भोग करते हैं और अंत में मृत्यु होती है, जबकि हम मृत्यु नहीं चाहते। तो ये सब जो सुख है, ये थोड़े समय के लिए आता है और उसके बाद अनंत दुख प्रारंभ हो जाता है जीवन में। तो वास्तव में हम संसार में सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे। अब जो भी जिसको सुख मानते हैं, ये क्षणिक सुख है, थोड़े समय के लिए, उसके साथ साथ हमें दुख भोग करना पड़ता है। किंतु हम चाहते हैं जीवन में ऐसा सुख जिस सुख का कभी अंत ही ना हो। ये भौतिक सुख का तो अंत है, किंतु हम ऐसा सुख चाहते हैं जिस सुख का कभी अंत ना हो। तो वो सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, हमें ज्ञान नहीं। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण का जो उपदेश है, ये उपदेश प्रारंभ होता है इस ज्ञान से कि हम यह शरीर नहीं है। हम जो सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हम यह शरीर नहीं है, हम दिव्य आत्मा है। इसी से भगवान का उपदेश प्रारंभ होता है, इसी ज्ञान से, क्योंकि हम देखते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस समय हम कहते हैं कि वह व्यक्ति चला गया।
तो वो व्यक्ति तो हमारे सामने पड़ा है, उसका शरीर पड़ा है हमारे सामने, और जीवन भर हम सोच करके आए हैं कि हम ये शरीर हैं और शरीर को ही हम व्यक्ति मानते हैं। तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं वो व्यक्ति चला गया। तो कहाँ चला गया? वो व्यक्ति तो पड़ा है, उसका शरीर पड़ा है हमारे सामने, किंतु फिर भी हम कहते हैं वो व्यक्ति चला गया। इसका अर्थ है कि हम स्वीकार करते हैं कि वो व्यक्ति इस शरीर से भिन्न था, नहीं तो हम ये नहीं कहते कि व्यक्ति चला गया। यदि वो व्यक्ति वो शरीर है तो पड़ा है हमारे सामने, तो कौन चला गया, वो व्यक्ति कौन था जो चला गया? वस्तुतः वह दिव्य आत्मा, जब शरीर में आत्मा रहता है शरीर क्रियाशील होता है। हमारे शरीर में आत्मा है जो जीवनी शक्ति है, जिसे शरीर शक्ति को प्राप्त करता है। आत्मा शरीर में नहीं होगा तो शरीर बेकार। तो आत्मा के बिना शरीर बेकार है। आत्मा की उपस्थिति के कारण शरीर क्रियाशील होता है, और हम बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, सो सकते हैं, खा सकते हैं, ये आत्मा की उपस्थिति के कारण। जब शरीर में आत्मा नहीं रहेगा तब शरीर बेकार, मृत उसको घोषित किया जाता है। तो ये जो आत्मा है वही चला जाता है शरीर त्याग कर। जब हम कहते हैं कि वो व्यक्ति चला गया, इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति वो आत्मा था जो शरीर को छोड़ करके चला गया। इस शरीर आत्मा का पोशाक जैसा है, हम लोग पोशाक पहनते हैं, ये पोशाक पुराना हो गया तो हम उसको फेंक देते हैं, नया पोशाक पहनते हैं। तो आत्मा उसी प्रकार ये पुराना शरीर को त्याग देता है और नए शरीर में प्रवेश करता है। जब कभी पुनर्जन्म की बात कही जाती है, कभी कभी लोग विश्वास नहीं करते हैं कि शरीर को तो जला देते हैं फिर पुनर्जन्म कैसे होगा। तो यही पुनर्जन्म है कि आत्मा शरीर जन्म नहीं लेता, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, नए शरीर में, वही पुनर्जन्म। तो इस प्रकार आत्मा अपने कर्म के अनुसार एक दो नहीं 84 लाख शरीर में प्रवेश करता है। हम संसार में जितने शरीर देखते हैं, मनुष्य का शरीर, पशु पक्षी कीट पतंग, जितने भी जीव हैं संसार में, तो आत्मा इस सारे जीवों का शरीर एक एक बार ग्रहण करता है और अंत में मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। और मनुष्य शरीर में जो कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार उसको फल प्राप्त होता है, दूसरे शरीर में जो कर्म करता है उससे फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे पशु पक्षी जो कर्म करते हैं उनका फल नहीं है, केवल मनुष्य अपने कर्म के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को उत्तम बुद्धि प्रदान की, चेतना प्रदान की, उन्नत चेतना प्रदान की,
इसलिए मनुष्य ही एकमात्र अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी। कर्म का फल मनुष्य भोग करता है। तो संसार में जब हम जन्म ग्रहण करते हैं मनुष्य के रूप में, हम अज्ञान अंधकार में जन्म ग्रहण करते हैं। हमें ये पता नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए और हमारा क्या कर्तव्य है संसार में। हम लोगों को जिस प्रकार बताया गया, परिवार में जो शिक्षा दी गई, उसके अनुसार हम अपना कर्तव्य निर्धारण करते हैं और सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य करना, अर्थ उपार्जन करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य। हम भूल जाते हैं कि ये जो शरीर हमें मिला है, इस शरीर का एक दिन अंत हो जाएगा और हमें अपने कर्मों का फल भोग करना पड़ेगा। यदि आप पाप कर्म करते हैं तो पाप कर्म का फल है दुख। जो भी हम दुख संसार में भोग करते हैं, हमारे पाप फलों के कारण। यदि हम सुख प्राप्त करते हैं तो हमारे पुण्य कर्मों के कारण। इसलिए शास्त्रों में भगवान कहते हैं कि कौन सा पुण्य कर्म है और कौन सा पाप कर्म है। वेदों के आदेश के अनुसार मनुष्यों को कर्म करने के लिए कहा गया, जिसको हम पुण्य कर्म कह सकते हैं या कर्म कहते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने तीन कर्मों के संबंध में बताया है, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो शास्त्रों के अनुसार जो कर्म किया जाता है, जो मनुष्य समाज के लिए ये निर्देश दिया गया है कौन सा कर्म करना चाहिए, तो जो कर्म किया जाता है वो वस्तुतः कर्म या पुण्य कर्म है। शास्त्रों के विरुद्ध जो कर्म किया जाता है उसको पाप कर्म कहते हैं, विकर्म। भगवान उसको विकर्म कहते हैं, वो पाप कर्म। और एक कर्म है जो दोनों कर्म से परे है, वो पाप कर्म नहीं है और पुण्य कर्म भी नहीं, उसको अकर्म कहा गया। अर्थात जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है उसको अकर्म कहा गया, वही है भक्ति मूलक कर्म जो भगवान के लिए किया जाता है। जैसे आप मंदिर में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान का दर्शन करते समय कीर्तन में भाग लेते हैं, भगवान के नाम संकीर्तन में हाथ ताली बजाते हैं, नृत्य करते हैं, ये सब भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। और जब हम भगवान को आनंद प्रदान करेंगे तो स्वयं भी आनंद को प्राप्त होंगे। ये भी भक्ति है, भक्ति मूलक कर्म है। आप मंदिर में आते हैं, भगवान के लिए कोई फल लेकर आते हैं, पुष्प लेकर आते हैं, या भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ लेकर आते हैं, ये सब भक्ति की कोटि में आता है। और भगवान गीता में कहते भी हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपरुतं अस्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण करता है, मैं उसको खाता हूँ, भगवान कहते हैं। तो जो भक्ति पूर्वक अर्पण करने से भगवान ग्रहण करते हैं, तो ये सब भक्ति के अंग हैं, ये पाप पुण्य कर्म में नहीं आते। उसी प्रकार आप भगवान के लिए मंदिर बनाते हैं या मंदिर बनाने में सहायता करते हैं, भगवान के प्रचार कार्य में सहायता करते हैं, भगवान के सेवा करते हैं, मूर्ति का श्रृंगार करते हैं, भगवान के विग्रह चाहे घर पर हो या मंदिर में हो, भगवान के मूर्ति का श्रृंगार करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगाकर उनका प्रसाद प्राप्त करते हैं,
ये सब भक्ति की कोटि में आता है। और जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये श्रवण भी भक्ति की कोटि में आता है। भगवान की कथा सुनना, भक्तों के मुख से भगवान की कथा सुनना और भगवान का नाम कीर्तन करना, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो ये नाम कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना अपने मन में, और पूजा अर्चना, भगवान को प्रार्थना करना, भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करना, ये सब भक्ति की कोटि में आता है। नवदा भक्ति की बात कही गई। तो ये अकर्म में आता है, अर्थात भगवत कर्म। ये जो कर्म है ये सब भगवत कर्म, जो हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारे पापों को नष्ट कर देता है और हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न करता है, ये कर्म। तो यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, क्योंकि पहले भगवान ने कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में बताया है। तो जो ज्ञानी है, ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, तो ये ज्ञानी भौतिक कर्म का त्याग कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। तो ये ज्ञानी जन भौतिक कर्म को बंधन का कारण मानकर उसको त्याग देते हैं, क्योंकि वो ज्ञान में स्थित हैं, जानते हैं कि ये संसार क्या है, ये संसार के कर्म कैसे व्यक्ति को बंधन में डालते हैं और उससे मुक्ति का उपाय क्या है। और कुछ लोग जो कर्म में प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए अर्थ उपार्जन करने के लिए जो कर्म की आवश्यकता है उसी कर्म में लिप्त रहते हैं और सोचते हैं कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो अर्थ उपार्जन करने के लिए कर्म करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जीवन धारण करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। इसलिए अर्थ उपार्जन करना ये जीवन की आवश्यकता है, किंतु जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है कि हम कैसे इस भौतिक संसार के कष्टों से, दुखों से सदा के लिए मुक्त हों, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर नित्य आनंद का धाम, भगवान के धाम को प्राप्त हो। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम कैसे भगवान के पास जा सकेंगे, उनके चरण कमल को प्राप्त कर सकेंगे, जहाँ नित्य आनंद। इस लक्ष्य को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, पहले आप कहते हैं कि कर्म का त्याग करना, क्योंकि ज्ञानी जन कर्म का त्याग कर देते हैं भौतिक बंधन का कारण मानकर, ये ज्ञान में स्थित होते हैं, ज्ञान का अनुशीलन करते हैं और इस प्रकार ये लोग भगवान में मिल जाना चाहते हैं ज्ञानी जन। किंतु वस्तुतः दो प्रकार के ज्ञानी हैं। एक प्रकार के ज्ञानी जो कर्म का तो त्याग करते हैं और उनका अंतिम लक्ष्य होता है ब्रह्म में लीन हो जाना। तो ऐसे लोगों को मायावादी कहा गया है और ये लोग ब्रह्म में लीन होने को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। किंतु दूसरे प्रकार के ज्ञानी हैं जो ज्ञान में स्थित होकर यही मानते हैं
कि बहुनां जन्मनां अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। अनेक जन्मों के पश्चात ज्ञान का अनुशीलन करते हुए जो वास्तविक ज्ञानी है, जो ज्ञान में स्थित हुआ है, वो क्या करता है ना, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण करता है, मांग प्रपद्यते भगवान कृष्ण कहते हैं। वही वास्तविक ज्ञानी है जो भगवान के शरण में जाता है, वो तो भगवान में लीन होना नहीं चाहता। वासुदेव सर्वमीति स महात्मा सुदुर्लभ, कि ऐसे महात्मा जो ये ज्ञान में स्थित होकर जानता है कि वासुदेव कृष्ण सभी के मूल है, तो ऐसे महात्मा जगत में दुर्लभ है, जो इस तत्व को जानते हैं कि भगवान कृष्ण, वासुदेव कृष्ण सभी के मूल है। और भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्तः भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता, कि जो लोग बुद्धिमान हैं ये लोग ये जानते हैं कि अहं सर्वस्य प्रभवो, मैं सब कुछ का मूल स्रोत, मत्तः सर्वं प्रवर्तते मुझसे सब कुछ सृष्टि होती है। यह जानकर बुद्धिमान लोग भाव समन्वित होकर मेरी शरण में आते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति का आचरण करते हैं, वो वास्तविक ज्ञानी है। तो यहाँ जो प्रसंग है कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो लोग कर्म का त्याग कर देते हैं वे श्रेष्ठ हैं अथवा भक्ति पूर्वक कर्म करते हैं, क्योंकि जो इस ज्ञान को प्राप्त हैं कि वासुदेव सर्वंगी थी, तो भगवान के लिए कर्म करेगा, वो कर्म का त्याग नहीं करेगा। इसलिए आप लोग देखते हैं कि जो भक्तजन हैं ये हर समय भगवान की सेवा में व्यस्त है। क्यों व्यस्त हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोग जो संसार में करते हैं ये भक्त लोग भी वही कर्म करते हैं, तो इसमें अंतर क्या है हम में और भक्तों में। किंतु भक्त लोग भगवान के लिए वो कर्म करते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है वो अपने लिए कर्म करते हैं, यही अंतर। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि कर्म का त्याग देना श्रेष्ठ है या आपकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना, भक्तिमूलक कर्म करना वो श्रेष्ठ है, यह आप मुझे बताइए। और इसका उत्तर सभी को जानना आवश्यक है कि कर्म का त्याग करना ज्ञानियों जैसा, कर्म का त्याग करना उचित है या भगवान के लिए कर्म करना उचित है। तो वस्तुतः जो ज्ञानी जन कर्म का त्याग करते हैं और ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, उनकी क्या गति होती है। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदं तत पतन्ति अधो अनादृत जुष्मत अंग्रह, कि ये जो ज्ञानी जन होते हैं, ये दो प्रकार के ज्ञानियों की बात हमने कही थी, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं ये ज्ञानियों की बात हम कह रहे हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं ज्ञानी लोग उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो भगवान की सेवा में लगे रहे। तो ये ज्ञानी जन जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, कष्ट स्वीकार करते हैं ध्यान करने के लिए, और अंत में यदि वो ब्रह्म में लीन हो भी जाते हैं, किंतु वहाँ अधिक समय तक वो टिक नहीं पाते,
क्योंकि ये जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म में लीन होने का अर्थ है भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है उस ज्योति में ये लोग जाकर मिल जाते हैं। किंतु जो जीवात्मा का जो स्वरूप है वो कभी मिल नहीं सकता। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं मामेवं सजीव लोके जीव भूत सनातन। ये जो जीव है ये नित्य है, जीव कभी लीन नहीं हो सकता, वो नित्य उसकी स्थिति रहेगी। किंतु ये लोग वस्तुतः अपने को ज्ञानी समझते हैं किंतु वस्तुतः ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। ये नहीं जानते हैं इस तत्व को कि कोई भी जीव ब्रह्म में लीन हो नहीं सकता, अपनी स्थिति को वो रखता है। जीव कभी विलीन नहीं हो सकता। तो ये लोग कुछ काल तक ब्रह्म ज्योति में रहते भी हैं किंतु वहाँ ब्रह्मानंद का सुख तो प्राप्त करते हैं किंतु वह सुख भी अस्थायी है। क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा जो आनंद चाहता है वो आनंद एक रास्ता में प्राप्त नहीं होता है। मान लीजिए कि उदाहरण देते हैं, एक रास्ता का उदाहरण है कि आप प्रतिदिन भोजन करते हैं और भोजन में आप प्रतिदिन यदि रोटी लेते हैं या चावल लेते हैं, जो भी लेते हैं, रोटी हो वो चावल हो, आप एक प्रकार की रोटी और एक प्रकार की सब्जी आप प्रतिदिन उसको खाइए, आप कितना दिन तक खा सकते हैं? समय आएगा आप उब जाएंगे कि एक ही चीज रोज खा रहे हैं, कुछ और कुछ चीज बनाओ है? अलग अलग वैरायटी बनाओ, उससे आनंद प्राप्त होता है। तो बहुरस्ता में विविधता में आनंद है, एक रास्ता में आनंद नहीं है। तो इसलिए जो मायावादी लोग ज्ञानी जन ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं वहाँ कुछ करने का नहीं है। तो इसलिए वहाँ जो आनंद वो प्राप्त करते हैं थोड़े समय के बाद वो उब जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि आरुह्य कृष्णेन परम पदं तत पतन्ति अध अनादृता जुष्मत अंग्रह। क्योंकि उन लोगों ने भगवान के चरण कमल की सेवा नहीं की है, क्योंकि जीवन भर यही सोचते आए कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान अरूप है निराकार। जब भगवान का रूप नहीं है तो किसकी सेवा करेंगे लोग? तो ये भ्रम धारणा का वशवर्ती होकर ये लोग ब्रह्म में लीन निराकार स्वरूप में लीन होना चाहते हैं किंतु वहाँ टिक नहीं पाते हैं, फिर इस भौतिक संसार में उनका पतन होता है। इसलिए ज्ञानी जनों का लक्ष्य जो है वो स्थायी लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि भगवान का अपना रूप है और भगवान के रूप का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी व्यासदेव सभी करते हैं, जिन लोगों ने भगवान को देखा है। और जिन लोगों ने भगवान को कभी भी नहीं देखा है, न देखने का अवसर उनको प्राप्त है, वही लोग कहते हैं भगवान का रूप नहीं है, भगवान निराकार है। भगवान कभी निराकार नहीं हो सकते। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कि परम ईश्वर परम नियंत्रण करी कृष्ण है और उनका जो विग्रह अर्थात रूप है वो सच्चिदानंदमय रूप है। भगवान का रूप हमारे जैसा रूप नहीं है,
यद्यपि भगवान का रूप हमारे जैसा दिखता है, मनुष्य रूप दिखता है, किंतु भगवान का शरीर दिव्य शरीर है और हमारा शरीर भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है, आता है, किंतु भगवान के शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। ना तो कभी भगवान की मृत्यु हुई, ना उनका जन्म हुआ, ना वो वृद्ध हुए या रोगग्रस्त हुए। तो आप लोग सोचेंगे कि हम तो कृष्ण जन्माष्टमी पालन करते हैं, तो भगवान का जन्म यदि नहीं हुआ तो हम जन्माष्टमी कैसे पालन करते हैं? किंतु भगवान का जन्म कैसे हुआ यदि आप जानेंगे श्रीमद् भागवतम में कि भगवान का जन्म हमारे जैसा जन्म नहीं होता। कंस की बंदीशाला में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण देवकी के हृदय से प्रकट हो गए चतुर्भुज मूर्ति के रूप में। यही भगवान का जन्म। कोई शिशु ऐसा जन्म नहीं लेता। तो भगवान पहले चतुर्भुज मूर्ति धारण करके शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए हुए वो प्रकट हो गए वसुदेव देवकी के सामने और उनसे बातचीत कर रहे थे देवकी वसुदेव से। कोई शिशु माता के गर्भ से जन्म लेकर बातचीत कर सकता है? नहीं कर सकता। किंतु भगवान बातचीत कर रहे थे और देवकी वसुदेव ने अनुरोध किया कृष्ण को शिशु रूप ग्रहण करने के लिए। तो देवकी वसुदेव के अनुरोध पर भगवान कृष्ण जो चतुर्भुज मूर्ति के रूप में प्रकट हुए थे वो तुरंत उनके देखते देखते उनकी आंखों के सामने वो शिशु रूप बन गए। यही भगवान का जन्म है। और जब भगवान की लीला का अंत का समय आया तो उस समय वैकुंठ से विमान आया भगवान को लेने के लिए। पहले तो उनके अस्त्र जो शंख चक्र गदा पद्म सब चले गए, बाद में वैकुंठ से विमान आया भगवान को जाने के लिए। तो इसलिए भगवान का उनकी जन्म और मृत्यु नहीं है। भगवान कभी वृद्ध नहीं होते हैं या रोगग्रस्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनका शरीर दिव्य शरीर है, हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है। 6 दिन की आयु में जब भगवान 6 दिन के शिशु का अभिनय कर रहे थे तो पुतना जैसे राक्षसी का वध कर दिया। कोई शिशु ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए कभी कभी लोग जो भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं और सुनते हैं कि 6 दिन की आयु में कृष्ण ने पुतना का वध किया तो ये असंभव बात उनको लगती है। ये बात उनको असंभव लगती है क्योंकि कोई शिशु ऐसा नहीं कर सकता। किंतु ये लोग भगवान की शक्ति को नहीं जानते। भगवान चाहे शिशु रूप में हो या किसी भी रूप में, भगवान की सारी शक्ति उनमें निहित है। इसलिए इस श्लोक में अर्जुन चाह रहे हैं जानने के लिए कृष्ण से कि कौन सा कर्म अच्छा है, उनके लिए कर्म करना अच्छा है या बिना कर्म के रहना, कर्म को त्याग देना ये अच्छा। तो आप लोग बताइए कौन सा अच्छा है। क्योंकि भगवान के लिए कर्म करना ये सबसे अच्छा है। इससे हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। भगवान के प्रति हमारे मन में आसक्ति उत्पन्न होती है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न होता है। और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने का अर्थ है कि मृत्यु के समय यदि हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो मृत्यु के पश्चात हम भगवान के धाम को प्राप्त होंगे, नरकलोक में नहीं जाएंगे, यमराज यमदूत नहीं आएंगे हमारे पास। और यदि हम कृष्ण का भक्त नहीं हैं तो फिर यमराज दूत भेज सकते हैं हमारे लिए अपने नरकलोक को लेने के लिए। तो यदि
भगवान के लिए हम कर्म कर रहे हैं ये भक्तिमूलक कर्म है। वस्तुतः यही भक्तिमूलक कर्म भगवान के लिए सेवा हमें कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए पर्याप्त। तो अब कृष्ण उसका उत्तर देंगे आगे इस अध्याय में कि किस प्रकार उनके लिए जो कर्म किया जाता है वो किस प्रकार दिव्य होता है। भगवान जिस प्रकार दिव्य हैं उनके लिए किया गया कर्म भी दिव्य होता है और वो व्यक्ति को दिव्य स्थिति को प्राप्त करा सकता है वो कर्म। हरे कृष्ण।